आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रेखा सिंह को सीबीएसई बोर्ड द्वारा सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जिन्हें जिले के 67 स्कूलों में बोर्ड के दिशा निर्देशों का अक्षर से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई। यह जानकारी शनिवार को प्रेसवार्ता के दौरान सीपीएस प्रबंधक अयाज अहमद खान ने दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय को मिली नई जिम्मेदारी से हर्षित हूँ। आज से करीब 29 साल पहले दोस्तों के सहयोग से सिविल लाइन में सीपीएस कोचिंग व टाइपिंग सेंटर से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और अच्छे टीचिंग स्टाफ व बेहतर मैनेजमेंट की बदौलत एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करता गया। मौजूदा दौर में सीपीएस स्कूल की 4 मेन ब्रांच जाफरपुर, मोहम्मदपुर, मुबारकपुर व भीमंडी मुंबई में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीपीएस की थीम रही है कम पैसों में अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि बड़े तो कहीं पढ़ लेंगे, जिसको एक सेल्समैन की बेटी गार्गी शुक्ला ने साबित किया। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में जिला टॉप किया। कम लागत में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना मेहनत का काम है। इस काम को सीपीएस के स्टाफ बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीपीएस परिवार इस सत्र से छात्राओं को विशेष सुविधा देने जा रहा है। मेधावी छात्राओं को 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानाचार्य रेखा सिंह ने कहा कि विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड द्वारा 4 दिवसीय आयोजित आईपीएस ट्रेनिंग में 66 प्रधानाचार्य और उनके आईटी स्टाफ लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर नवाज अहमद खान, आजाद अहमद खान, तरन्नम खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, इसकी वजह से सीपीएस आगे बढ़ रहा है। क्या सोचकर मतलब आपने एक गांव आजमगढ़ से निकल के इतने बड़े लंबे शहर में जाकर क्या क्या करना चाहिए? हमारी शुरू से ये सोच रही है कि एक अच्छी एजुकेशन बहुत कम मॉडरेट फीस में हम जो है दें, ताकि सभी का कल्याण हो सके और सभी लोग एजुकेशन से जुड़ सके, खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन। सीबीएस और आगे क्या नया करना चाहेगा? बड़े शहर में गए हैं, वहाँ देखें, वहाँ का पढ़ाई लिखाई और क्या और नया करना चाहेंगे? नहीं, हमारी शुरू से सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोल करके उस क्षेत्र के लोगों की शिक्षित करना और एक अच्छे सिलेबस में उनको अच्छे से पढ़ाना। तो वहाँ आप गए, वहाँ से नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें जिस तरीके से वहाँ पढ़ाई होती है, क्या उनका लगा वहाँ क्या? नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं है, यूपी और बॉम्बे में ऐसा नहीं है, सभी लोग इंसान ही हैं। हमने वहाँ जा करके देखा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा रिकॉग्निशन में और भी चीज़ें बिल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो सब कुछ यही है। सीबीएसई जो हम लेके चल रहे हैं, सीबीएसई के अंडर में है, तो इंटरनेशनल बोर्ड खुली है, तो चाहे वो बॉम्बे हो चाहे आजमगढ़ हो, उनका सिलेबस एक है, एक ही पढ़ाई है। Very prestigious post. It's a very, very prestigious post, and it's an honorarium post also, I want to say. I am the only the representative of our RO sir, Shri Lalit Kumar Kapil ji. I am thankful to our former regional officer, Madam Shweta Arora ji, and current at present Shri Lalit Kumar Kapil ji, the regional officer, Prayagraj CBS regional office. They have selected me. The head office also selected me. They have supported my name. They have forwarded my name. I am thankful to both the regional officers. And it's my responsibility is to coordinate between all these schools, all the 66 schools, including my own school. And whatever guidelines they are issuing us, I will try my level best to achieve all those things.